अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ही होंगे। जो पहली वीडियो चली वो तो आपने देख ली होगी। आज हम बनाने वाले हैं एक और व्हाट्सएप स्टेटस, तो जिसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कैन मास्टर की। अगर आपके पास कैन मास्टर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, या मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उसे बड़े आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी जो दोस्त नए चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आल पे प्रेस किया करें, क्योंकि ऐसे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ से हमने कैन मास्टर को ओपन करना है, तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या करना है, 9:16 का फ्रेम रखना है, तो इसको कर देने हमने ओके। तो हम अपनी बैल की गैलरी में चले जाएंगे। जैसे ही हम अपने बैल गैलरी में जाएंगे, यहाँ अमेजिंग पे जाके यहाँ हमने ब्लैक जो इसको कर लेना सिलेक्ट, और इसकी लेंथ हमने कर लेनी है जितनी हमने अपने व्हाट्सएप का स्टेटस वीडियो बनाना है। कट करेंगे, कट करने के बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाने कट करने के बाद अभी यहाँ हमने लेयर पर जाना है और मीडिया पर जाना है, और जितना यहाँ पर मटीरियल लगेगा मैं सबका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप बड़े आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। चलो यहाँ से हमने इसको लेना है, इसकी कर देंगे हमने स्क्रीन कर देना फुल। स्क्रीन फुल करने के बाद इसकी भी लेंथ हमने कर देनी जितनी हमारी ब्लैक की लेंथ है। यहाँ पे ले के आने के बाद अभी हमारे पास यहाँ एक PNG है जो कि एक लॉकेट में, वो हम ले लेते हैं। चलो यहाँ हमने लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, तो यहाँ से हमने ये फ्रेम ले लेना है। करेंगे यूँ बड़ा, यूँ बड़ा करने के इसको ले जाएंगे थोड़ा सा यहाँ ऊपर, यहाँ पे ले के आने के बाद यहाँ तक ले आएंगे, कर लेंगे हम थोड़ा सा छोटा यहाँ पे ले के आने के बाद अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगानी है। तो चलो मैं उस पिक्चर को यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ जाएंगे लेयर पे और मीडिया पे जाने के बाद हमने यहाँ से पिक्चर लेनी है, तो मैं चलो यहाँ से एक पिक्चर ले लेता हूँ। हमने यहाँ से ये पिक्चर ले लिया, इसको अब हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाना है यहाँ पे, और इसको हमने थोड़ा सा यहाँ करना है छोटा। छोटा करने के बाद हमने इसको बीचों बीच फ्रेम के बीचों बीच हमने इसको यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे बिल्कुल आपने यहाँ पे इसको सेट करके लगाना है। तो मैं तो आपको डेमो बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसे यहाँ जैसे मैंने किया इसको ऐसे लगा के, और इसको भी हमने इसकी भी लेंथ हमने कर देनी है बिल्कुल। पहले हम इसकी लेंथ पूरी करेंगे यहाँ तक, और उसके बाद हम इस पिक्चर की ले लेते हैं यहाँ पे लेके आने के बाद अभी कट करेंगे, कट करके पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हमने फिर लेयर पे जाना है, फिर मीडिया पे जाना है। तो यहाँ पे एक मैंने लेटेस्ट वीडियो है, इसको ले लेंगे, थोड़ा सा करेंगे बड़ा बड़ा करने, इसको लेके आ जाएंगे यहाँ नीचे यहाँ पे लेके आने के बाद इसको हमने क्या करना है, यहाँ बीचों बीच लगा देंगे, और इसका जो वॉल्यूम है हमने यहाँ से म्यूट कर देना। वॉल्यूम म्यूट करने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, तो यहाँ जाएंगे ब्लेंडिंग पे, तो कर देंगे स्क्रीन करने के बाद इसको भी हमने इसके बराबर लेंथ करके दूसरी हमने यहाँ से कट कर देना, यहाँ से इसको कट कर देंगे। यहाँ बैक आएंगे, बैक आने के बाद फिर लेयर पे जाएंगे, फिर मीडिया पे जाएंगे। तो यहाँ से हमने एक ये साउंड वीडियो ये ले लेनी है, इसको करेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा कर लेंगे बड़ा बड़ा करने के इसको रखेंगे यहाँ पे अपने यहाँ बीचों बीच इसको यहाँ पे लगा लेना है, और थोड़ा करेंगे नीचे ब्लेंडिंग में जाके हमने इसको भी कर देना है यहाँ से स्क्रीन करने के बाद यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से ये लेटेस्ट वीडियो इसको ले लेंगे। पार्टिकुलर वीडियो को लेने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसकी भी स्क्रीन कर देंगे यहाँ से फुल। स्क्रीन फुल करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, ब्लेंडिंग में जाएंगे, इसको भी हमने कर देना है यहाँ पर स्क्रीन करने के बाद इसका भी यहाँ से वॉल्यूम हमने म्यूट कर देना है। यह सब कुछ करने के बाद अभी हमारी वीडियो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। चलो मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। और बराए मेहरबानी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो
तो नीचे ज़रा सा कमेंट कर दिया करें कि हमारे हौसले के लिए। अभी हमने सेव कैसे करना है, वो एरो का निशान ऊपर बने उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो हम अपने ऐसे यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से नीचे लिखा हुआ है सेव ना वीडियो, तो जैसे हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारी वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी। चलो मैं यहाँ से वीडियो को सेव कर लेता हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह।